हेलो क्लास नर्सरी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज से आपके हाफ ईयरली के एग्जाम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके जो हाफ ईयरली के एग्जाम्स होने के पहले पेरेंट्स ध्यान दें, आपके हाफ ईयरली का जो अभी तक हमने नोट्स कंप्लीट किए हैं उसका सारा कोर्स आपको कंप्लीट करवाना है। इसी के साथ में ये पेपर आपको स्कूल से कलेक्ट कर लेने हैं। आप सभी नर्सरी क्लास के जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, आप सभी स्कूल आकर अपने जो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स के पेपर्स हैं उन्हें कलेक्ट कर लीजिए। आज फर्स्ट हम आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेरेंट्स ध्यान दें, पेपर स्टार्ट करवाने से पहले आप अपने बच्चों का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करवा दीजिए। जितना भी हाफ ईयरली में सिलेबस हमने उन्हें करवाया है उसकी प्रैक्टिस करवा दीजिए। आफ्टर दैट आपको ये पेपर कम्प्लीट करवाना है। फर्स्टली पेरेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर नेम के कॉलम में आपको स्टूडेंट नेम विथ पेरेंट्स यानी कि फादर्स नेम आपको राइट कर कम्प्लीट करना है। नेक्स्ट में आपको क्लास सेक्शन यहाँ पर राइट करना है। रोल नंबर आपको यहाँ पर राइट करना है। सिग्नेचर वाला जो कॉलम है वो आपको टीचर सिग्नेचर के लिए दिया हुआ है, तो आपको इसे यहाँ पर खाली छोड़ना है। फर्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो ये सारे जो पिक्चर्स हैं ये आपको बच्चों से पूछ कर यहाँ पर उन्हें याद करवाना है, आइडेंटिफाई करवाना है, और इनसे इस पिक्चर का जो फर्स्ट लेटर है स्पेलिंग का वो आपको यहाँ पर साइड में राइट कर कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर अगर एक एप्पल की पिक्चर बनी हुई होती तो यहाँ पर एप्पल के लिए यहाँ पर आपको ए राइट करवाना था। एज इट इज़ यहाँ पर आपको ये जो फाइव पिक्चर दी हुई है, वन बाय वन आपको एक एक पिक्चर अपने बच्चों से आइडेंटिफाई करवाना है और उसके बाद में यहाँ पर लेटर राइट कर कंप्लीट करना है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैच पिक्चर विद द लेटर्स। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और उनके लेटर्स यहाँ पर राइट किए हुए दिए हुए हैं। तो फर्स्टली आप ये सारे पिक्चर्स को अपने बच्चों से आइडेंटिफाई करवा लीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको ये वन बाय वन एक एक लेटर बच्चों से रीड करवाना है। इट्स एफ डी ई जे एंड बी। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर आपको जैसे दी हुई है डॉल की, तो आपको यहाँ पर डॉल किस लेटर से स्टार्ट होता है, एफ डी ई जे या बी। तो जिस लेटर से जोन सी पिक्चर स्टार्ट होती है आपको उससे पेंसिल से मैच करते हुए कंप्लीट करवाना है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे पिक्चर्स वन बाय वन एक एक पिक्चर आपको लेनी है और इन सारे लेटर्स में से जो करेक्ट लेटर है उससे मैच कर इसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर टू के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज द गिवन। जो प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ फोर हो गया है तो आप इसे थ्री कर लीजिए। रिकॉग्नाइज द गिवन पिक्चर एंड सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ पिक्चर्स। यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज द गिवन पिक्चर्स, यहाँ पर आपको फर्स्टली पिक्चर्स आइडेंटिफाई करवानी है एंड सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस पिक्चर। और इस पिक्चर का जो फर्स्ट लेटर है आपको उस पर सर्कल लगाकर इसे कंप्लीट करवाना है। आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्टली आपको पिक्चर दी हुई है कैट की, जिसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ए एच एंड सी। तो कैट की स्पेलिंग कौन से अल्फ़ाबेट से, यानी कि पिक्चर का फर्स्ट लेटर क्या है, ए एच या सी, इन तीनों में से जो भी इसका फर्स्ट लेटर है आपको अपने बच्चों से उस पर सर्कल लगवा कर कंप्लीट करवाना है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट बॉल, ग्रैप्स और आइसक्रीम दिए हुए हैं, जिसके लेटर दिए हुए हैं आपको जे के बी। तो बॉल के लिए कौन सा फर्स्ट लेटर होगा, ग्रैप्स में जी ई डी और आइसक्रीम में एल के आई दिया हुआ है। तो इसका जो भी पिक्चर का फर्स्ट लेटर है आपको उस पर सर्कल लगवा कर इसे कंप्लीट करवाना है। पेज नंबर वन यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप एक एक क्वेश्चन आराम से करवाइए, बिल्कुल आप घर पर ही हैं तो आप इसका पूरा टाइम लीजिए, जल्दबाजी में पेपर ख़राब ना करवाइएगा। नेक्स्ट फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट पेज नंबर टू पर आ जाइए। यहाँ पर आपको फर्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉइन डॉट्स टू मेक पिक्चर्स एंड राइट द लेटर्स। यहाँ पर आपको डॉट्स को मैच करते हुए पिक्चर ड्रॉ करनी है और वो पिक्चर बच्चों से रिकग्नाइज करवाने के बाद वो किस लेटर से स्टार्ट होती है वो लेटर आपको यहाँ पर राइट करवा कर कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टू बॉक्स में टू पिक्चर्स दी हुई है, इन पिक्चर्स पर पेंसिल से पेंसिल ट्रेस करवाते हुए आपको पिक्चर कंप्लीट करनी है। आफ्टर दैट यहाँ पर इस पिक्चर का जो फर्स्ट लेटर है वो राइट करवा कर कंप्लीट करवाना है। सेकेंड आपको नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक फिश की पिक्चर दी हुई है। यहाँ पर आइडेंटिफाई द लेटर, आपको इस पिक्चर में कलर फील करना है। ध्यान रहे कलर आप वैक्स कलर या पेंसिल कलर से फील करें और आइडेंटिफाई द लेटर, आपको लेटर आइडेंटिफाई करना है कि ये
यहाँ पर ये जो फिश बनी हुई है ये किस लेटर से स्टार्ट होती है उसको यहाँ पर आपको राइट कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, राइट ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स। अभी तक हमने बच्चों को जितने भी अल्फ़ाबेट्स सिखाए हैं उसमें से आपको ए से स्टार्ट करते हुए जे तक राइट कर कंप्लीट करना है। तो आप एक एक अल्फ़ाबेट बच्चों को से पूछते जाइए और जैसे जैसे वो अल्फ़ाबेट बताते जाएं आप उन्हें एक एक बॉक्स में एक एक अल्फ़ाबेट राइट करवा कर कंप्लीट करवाना है। इसी के साथ में आपका इंग्लिश का पेपर यहीं कंप्लीट होता है। तो नर्सरी क्लास का यहाँ पर ये जो इंग्लिश का पेपर है इसे कंप्लीट करवाने से पहले पेरेंट्स ध्यान दें, एक शॉप की हुई पेंसिल से नीट एंड क्लीन पे तरीके से आप इस पेपर को कंप्लीट करवाइएगा। हो सके तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक रफ कॉपी में पहले इसे कंप्लीट करवा लीजिए, सॉल्व करवा लीजिए, ताकि उन्हें प्रैक्टिस हो जाए तो वो पेपर ख़राब नहीं करेंगे। इसके बाद अगर उन्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करवा लीजिए, जब वो पेपर देने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएँ उसके बाद ही आपको ये पेपर स्टार्ट करना है।